हेलो नमस्ते सत श्रीकाल। मैं हूँ हेमंत चौहान, असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ आर्ट ऑन दी गवर्नमेंट अप्रूव्ड वर्क स्टेशन, और आप देख रहे हैं हमारे साथ हमारा यूट्यूब चैनल कैट गुरु। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी पिछली वीडियो पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और इसी के साथ हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक, और आज हम ऑटो कैट के अंदर सीखेंगे कुछ कमांड्स। तो वो कमांड कौन कौन सी है, तो जो आपका जो पहला कमांड है वो है ऑर्थो कमांड, ठीक है। दूसरा कमांड है ऑफसेट कमांड, तीसरा कमांड है ऑब्जेक्ट स्नैप कमांड, चौथा कमांड है ट्रिम, और पांचवा कमांड है एक्सटेंड। आज हम इन्हीं पांच कमांड के बारे में सीखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं ऑर्थो कमांड के साथ। तो हमने ऑटो कैड खोल लिया है, और तो इसी के साथ हम शुरू करते हैं ऑर्थो कमांड के बारे में। सपोज हम लाइन ले लेते हैं अभी, ठीक है। और मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था पूरे यूनिवर्स के अंदर हमें एक ही पॉइंट नोन रहता है, उस हम क्या कहते हैं, ओरिजिन। तो लिख लेते हैं 0.0। अब इसमें आपको जब भी जाना होता, सपोज हमने पिछली क्लास में स्क्वायर लिया था, 2 मीटर का स्क्वायर और 2 मीटर का स्क्वायर, 2 मीटर लेंथ और 2 मीटर ब्रेथ। तो सपोज हम उसी चीज़ को ड्रॉ करेंगे, लेकिन अब की बात विदाउट कोऑर्डिनेट, इसलिए हम कमांड यूज करते हैं। अब मुझे जाना है 2 मीटर इधर, तो मुझे यहाँ पे कमांड, वो क्या कहते हैं, पॉइंट देने पड़ेंगे 2.0, तब जाके ये चीज़ यहाँ आएगी। इस चीज़ को सिंपल करने के लिए ऑर्थो कमांड यूज होता है। तो ये है आपका ऑर्थो कमांड, दिख रहा है आपको। आप यहाँ से भी ऑर्थो मोड ऑन कर सकते हो, या फिर अपने कीबोर्ड से अगर आप F8 टाइप करोगे तो भी आपका ऑर्थो मोड ऑन हो जाएगा। तो मैंने यहाँ क्लिक कर दिया और ऑर्थो मोड ऑन कर दिया है। तो देखिए, ऑर्थो मोड होने की वजह से क्या हुआ, या फिर ये एक्स एक्सिस के अंदर स्ट्रेट डायरेक्शन में जा सकता है, या फिर माइनस एक्स एक्सिस के अंदर स्ट्रेट डायरेक्शन में जा सकता है, या फिर वाई एक्सिस के अंदर, या फिर माइनस वाई एक्सिस के अंदर, और किसी डायरेक्शन के अंदर ये जा नहीं सकता, ठीक है। अब कैसे यूज करेंगे इसको, आपको जिस डायरेक्शन के अंदर जितनी लेंथ चाहिए बस कर्सर को उसी साइड ले जाइए और उतना डिस्टेंस दे दीजिए। सपोज मुझे यहाँ पर 2 की डिस्टेंस चाहिए, तो मैंने कर्सर को इस साइड ले आया और यहाँ पे 2 टाइप करके एंटर कर दिया। तो ये देखिए, ये आपका 2 मीटर आ गया है। अब आपको 2 मीटर ऊपर की ओर चाहिए, तो कर्सर को आप ऊपर कर दीजिए और फिर 2 टाइप कर दीजिए। ये देखिए, अगर आपको इस साइड चाहिए तो आप 2 कर दीजिए। तो ये देखिए, अब आपको नीचे चाहिए फिर 2 कर दीजिए। ये देखिए, आपका स्क्वायर बन गया, और पिछली बार से जल्दी फास्ट बना, और ये बहुत ही सिंपल था, है ना। लेकिन वो कंसेप्ट भी आपके लिए बहुत जरूरी होती है, ठीक है। तो आपको ऑर्थो कमांड समझ में आ गई होगी। इसी की तरह हम एक वो बना लेते हैं रेक्टेंगल एक और, ठीक है। हम इसको डिलीट किया, लाइन कमांड लिया हमने 0.0 पहला पॉइंट, ऑर्थो कमांड हमारा ऑन है। सपोज मुझे 10x8, सपोज 5x3 का मुझे रेक्टेंगल बनाना है, तो इस डायरेक्शन के अंदर 5 लिया हमने, 5 एंटर, ऊपर गए 3 एंटर, इस डायरेक्शन में फिर 5 एंटर, फिर इस डायरेक्शन के अंदर 3 एंटर। तो देखा कमांड से आपकी चीज कितनी आसान हो गई और कितनी जल्दी बन गई, ठीक है। अब जो हमारा जो अगला कमांड है वो क्या है, ऑफसेट। अब ये ऑफसेट क्या काम करता है, ऑर्थो तो आपको पता चल गया, ऑर्थो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेगा आपकी, हमेशा स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेगी, है ना। इसके अंदर आप कोई भी इंक्लाइंड लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते, मतलब तिरछी लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते, इसमें आप सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हो ऑर्थो के अंदर। और ऑफसेट क्या करता है, ऑफसेट इसी सेम नेचर ऑफ लाइन, जैसे जो इस लाइन की नेचर है, जैसी ये लाइन है, जितनी लंबी ये लाइन है, उसी लाइन को पैरेलली शिफ्ट कर देता है, या फिर ऊपर की ओर या फिर नीचे की ओर, देखते हैं। ऑफसेट के लिए क्या है, ऑफसेट का सिंबल ये रहा, यहाँ से भी आप ऑफसेट ले सकते हो, या फिर कीबोर्ड पे सिर्फ ओ टाइप कर दो, ओ ऑफसेट का शॉर्ट फॉर्म है, ओ और एंटर। ओ एंटर करते ही देखिए क्या आ रहा है कमांड लाइन की तरफ, ऑफसेट जो बोल रहा है, स्पेसिफाई ऑफसेट डिस्टेंस, मतलब आपको कितना ऑफसेट करना है। तो सपोज मैं ऑफसेट डिस्टेंस दे देता हूँ 1। अब क्या बोल रहा है, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट टू ऑफसेट, किस ऑब्जेक्ट को आपको ऑफसेट करना है। सपोज मुझे इसे ऑफसेट करना है, या फिर 1 इधर या फिर 1 इधर, देखो बस जिस डायरेक्शन में चाहिए वहां पे आप बस कर्सर को ले जाकर क्लिक करना है। सपोज मुझे यहाँ चाहिए, यहाँ पे आते आप क्लिक कर दो, आपको इस ऑब्जेक्ट को 1 ऑफसेट करना है, ऊपर करना है या नीचे करना है, नीचे करना है तो यहाँ पे क्लिक कर दो। आपको इसे, अब इसे ऑफसेट करना है, इधर करना है या इधर करना है, सपोज मुझे यहाँ करना है तो मैंने यहाँ क्लिक कर दिया। तो देखो ये 1 मीटर में ऑफसेट हो चुका है। इसे भी आप ऑफसेट कर सकते हो, इसे भी आप ऑफसेट कर सकते हो, इसे भी आप ऑफसेट कर सकते हो, ठीक है, आपको समझ में, ठीक है। अब हमारा जो अगला कमांड है वो क्या है, अगला कमांड है आपका ऑब्जेक्ट स्नैप। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कमांड है।
ठीक है, ऑब्जेक्ट स्नैप, ये क्या होता है? सपोज मुझे लाइन ड्रॉ करनी है, सपोज मुझे इसके इंटरसेक्शन पॉइंट से लाइन को करनी है, जहां पर ये वाली लाइन और ये वाली लाइन इंटरसेक्ट हो रही है, यहां पर लाइन ड्रॉ करनी है, तो मैंने अपने हिसाब से यहां पर बिल्कुल सही लाइन क्लिक की होगी, आपको दिख भी रही होगी एकदम, लेकिन जब आप इसको जूम करोगे आपको एरर दिखेगा, देखो हो लाइन यहां से शुरू होनी चाहिए थी पर लाइन यहां पहुंच गई है। इस एरर को कम करने के लिए हम ऑब्जेक्ट स्नैप यूज करते हैं। ये रहा आपका ऑब्जेक्ट स्नैप। ऑब्जेक्ट स्नैप आप यहां से भी क्लिक करके ऑब्जेक्ट स्नैप ऑन कर सकते हो, या फिर आप F3 कीबोर्ड में F3 टाइप करोगे तो भी आपका ऑब्जेक्ट स्नैप ऑन हो जाएगा। यहाँ पे आपको इस पर क्लिक कर दिया, क्लिक करते क्या आ गया ऑब्जेक्ट स्नैप ऑन। एक बार आप यहां पर आयो और राइट क्लिक क्लिक करो, माउस से राइट क्लिक और सेटिंग पे जाओ। ये देखो अब क्या दिखाएगा, एंड पॉइंट को वो स्क्वायर के अंदर दिखाएगा, मिड पॉइंट को ट्रायंगल के अंदर दिखाएगा, सेंटर को सर्कल के अंदर दिखाएगा, नोड्स को सर्कल इंटरसेक्शन के साथ दिखाएगा, क्वाड्रेंट को एक क्वाड्रिलेटरल के साथ दिखाएगा, इंटरसेक्शन को दो लाइन क्रॉस करते हुए दिखाएंगे, एक्सटेंशन को इस तरह, इंटरसेक्शन को ये वाला सिंबल, परपेंडिकुलर को ये वाला, टेंजेंट को इस तरह। तो इसमें सब चीज दे रखा है, आप इसमें सिलेक्ट ऑल करके ओके कर दो। अब आपको ऑर्थो मोड ऑन है। अब आप देखना, आपने लाइन क्लिक की, ये देखो स्क्वायर आ गया ना, स्क्वायर जैसा सिंबल आ गया। इस पे आप क्लिक करके जितनी लंबी लाइन लेनी है उतनी, और ऑर्थो मोड है ना इसलिए स्ट्रेट लाइन जाएगी। सपोज मैंने 2 लाइन खींच दी 2 मीटर की, अब चाहे आप इसको जितना भी जूम कर लो, ये आपको एकदम करेक्ट पोजिशन में दिखेगा, है ना। तो जो आपका ऑब्जेक्ट स्नैप होता है वो आपको एरर कम करने में यूज आता है। ठीक है, चीज आगे समझ में आपको। अब तो मतलब आपका ऑब्जेक्ट स्नैप ऑन होना चाहिए, ठीक है, वरना आपको ये पॉइंट ध्यान होना चाहिए। अगर आपको पॉइंट नोन नहीं है तो वहां पे ऑब्जेक्ट स्नैप यूज होता ज्यादा, ठीक है। सपोज आपको ये पॉइंट नोन नहीं था, मान लेते नोन नहीं था, और आपको यहां से एक लाइन ड्रॉ करनी है, तो आप ऑब्जेक्ट स्नैप पे जाओ, राइट क्लिक करो, सेटिंग करो, और अपने एंड पॉइंट पे चेक कर लो, या फिर आप सिलेक्ट ऑल करके रखो अपना सारा, कि कभी भी किसी भी टाइम जरूरत पड़ सकती है। तो लाइन लेके आप यहाँ पे आओगे तो देखो ये रेक्टेंगल, ये एक स्क्वायर बन रहा है, और स्क्वायर किसका साइन था वहां पर, एंड पॉइंट का, ठीक है। अब हमारा अगला टॉपिक क्या है, अगला कमांड क्या है, अगला कमांड है ट्रिम। आपने ट्रिम सुनते ही दिमाग में एक चीज आ गई होगी, ट्रिम मतलब होता है छोटा कर देना, है ना, तो वही चीज है, और सही में ट्रिम छोटा करता है आपका। सपोज मुझे ये वाली लाइन नहीं चाहिए, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक का लाइन नहीं चाहिए, तो क्या करोगे आप, टी आर लिखोगे। टी आर किसके लिए होता है, ट्रिम के लिए, टी आर शॉर्ट फॉर्म है ट्रिम के लिए। यहां से भी ट्रिम कर सकते हो, या फिर देखो यहां पे ऑप्शन रहा है ट्रिम का, और टी आर डबल एंटर, एक बार दो बार, और जो भी चीज आपको ट्रिम करनी है, सपोज मुझे इसके बीच यहां से लेकर यहां तक लाइन नहीं चाहिए, तो आपने इसको यहां पर ट्रिम कर दिया, इसको ट्रिम कर दिया, ये चीज छोटी हो गई। लेकिन आप इसको ट्रिम नहीं कर सकते, ना इसको ट्रिम कर सकते हो ना इसको ट्रिम कर सकते हो, क्योंकि लाइन छोटी हो जाएगी। अब यहाँ पे करोगे तो ये लाइन खत्म हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी, चली जाएगी, आप लाइन को खत्म नहीं कर सकते हो, सिर्फ छोटी कर सकते हो। जैसे आप इसको क्लिक करोगे ये भी चीज नहीं जाएगी, तो आप इसको इसको ट्रिम कर सकते हो यहाँ पर, इसको ट्रिम कर सकते हो यहाँ पर, क्योंकि ये एक लाइन थी, लेकिन आप इसको ट्रिम नहीं कर सकते, अगर आप इसको ट्रिम करोगे तो लाइन ही खत्म हो जाएगी। चीज आएगी समझ में, आप इसको ट्रिम कर सकते हो, इसको ट्रिम कर सकते हो, इसको ट्रिम कर सकते हो, पर अब आप इसको ट्रिम नहीं कर सकते, इसको ट्रिम करती लाइन खत्म हो जाएगी, क्योंकि इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक लाइन खत्म हो जाएगी। ठीक है, सपोज आपको वापस प्रीवियस, जैसे आपसे गलती से ये डिलीट लाइन ट्रिम हो गई है, उसके लिए क्या करोगे आप, कंट्रोल जेड अंडू, नाम तो सुना ही होगा, कंट्रोल जेड आ गया सारा। ठीक है, तो ट्रिम करते हैं, टी आर डबल एंटर। सपोज आपको ये और ये लाइन ट्रिम करनी थी, तो यहां से लेके यहां तक सिलेक्ट किया और ये ट्रिम हो गई। ठीक है, चीज आएगी समझ में। अब आपका जो अगला कमांड है वो है एक्सटेंड, वो है ट्रिम का एकदम अपोजिट। ट्रिम छोटा कर देता था तो एक्सटेंड बढ़ा देता है। ठीक है, एक्सटेंड, एक्सटेंड के लिए आप EX एक्सटेंड का शॉर्ट फॉर्म, टी आर में डबल एंटर था, एक्सटेंड के अंदर भी डबल एंटर है। ठीक है, डबल एंटर, आपको इसे बढ़ाना है, ये बढ़ गया, इसे बढ़ाना है, ये बढ़ गया, लेकिन आप यहां से और बढ़ा नहीं सकते। क्यों नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि एक्सटेंड हमेशा दो लिमिट के बीच में होगा। आप जैसे कि इसके अंदर ये अभी कंट्रोल जेड कर लिया अंडू, यहां से लेके यहां तक लिमिट है कि मुझे इस लाइन से लेके इस लाइन तक बढ़ाना है, लेकिन इसके बाद लिमिट नहीं है ना, तो आपने अगर इसको क्लिक करोगे तो ये बढ़ गया, यहां क्लिक करोगे तो ये बढ़ गया,
क्योंकि यहाँ पे लिमिट डिफाइन है कि मुझे इस लाइन से लेके इस लाइन तक बढ़ाना है। अगर आप इसको बढ़ाना चाहोगे तो नहीं बढ़ेगा, क्यों? क्योंकि आपकी यहाँ तो लिमिट डिफाइन है पर ऊपर लिमिट डिफाइन नहीं है कि कहाँ तक बढ़ाना है, इसलिए एक चीज एक्सटेंड नहीं होगी। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। ऑटोकैड से जरूरत जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। कल हम इसी कमांड के ऊपर कुछ ड्राइंग करके दिखाएंगे। ठीक है, और आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू।